जो हमने किताबों में पढ़ी थी वो अब हमारे सामने है, जो हमने कहानियों में सुनी थी वो हमारे सामने हो रहा है। मिलिए आज के श्रवण कुमार से। सावन के इस पावन महीने में भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए देवघर में जगह जगह से भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीर सबको आकर्षित कर रही है। कहते हैं माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और ना ही कोई पूजा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जहानाबाद के रहने वाले चंदन कुमार की, जो कलयुग में श्रवण कुमार बनकर अपने माँ और पिता को कांवर में बैठाकर तीर्थ कराने निकल पड़े हैं। सुल्तानगंज गंगा घाट पर गंगा स्नान के बाद अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर चंदन और उनकी पत्नी रानी देवी बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर के लिए निकले हैं। ऐसे में इस अद्भुत नजारे को देख सारे लोग हैरान रह गए। इस सफर में जहां भी तकलीफ होती कोई ना कोई उन्हें सहारा देने आगे आ जाता। बाबा नगरिया दूर है लेकिन जाना भी जरूरी है। ऐसे में चंदन अपने माता पिता के साथ फिर से सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। इतने लंबे सफर में वो पैदल जाएंगे और अपने माता पिता को दर्शन करवाकर लौटेंगे। कलयुग के श्रवण कुमार की ये तस्वीर हर किसी को लुभा रही है। लोग चंदन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। न्यूज़ लाइफ डेस्क बिहार।